5 सब्जेक्ट SST लेसन 11 नीड फॉर ट्रांसपोर्ट रीडिंग पेज नंबर 65, 66, 67। टॉपिक है हमारा आज का वाटरवेज। क्लास आज हम पढ़ेंगे वाटरवेज, पेज नंबर 65 वाटरवेज क्लास। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन है हैवी गुड्स को बहुत दूरी लंबी दूरी तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट पेज। अर्ली ह्यूमन यूज राफ्ट एंड बोट्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। पहले मनुष्य राफ्ट और बोट का प्रयोग हजारों सालों से कर रहा है। लेटर ऑन द स्टीम इंजन हेल्प इन मेकिंग ऑफ लार्ज साइज बोट्स नाउ कॉल्ड शिप। बाद में स्टीम इंजन ने बहुत बड़े साइज की बोट बनाने में हेल्प की, जिसे कि अब जहाज कहा जाता है, शिप कहा जाता है। शिप्स कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड हैवी कार्गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एट अ फास्टर रेट। शिप जो है बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को, भारी सामान को बहुत दूर के स्थानों पर और जल्दी से ले जाते हैं, यानी कि जल्दी समय से ले जाते हैं। द लो कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है अनाज को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के ट्रांसपोर्टेशन में को कम कीमत पर पहुंचाने में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन ट्रेड ऑफ रॉ मटेरियल्स मिनरल्स एंड फ्यूल रिसोर्सेज। यह जो है रॉ मटेरियल मिनरल्स और फ्यूल रिसोर्सेज के व्यापार में सहायता भी करता है। वाटरवेज आर चीपर। वाटरवेज बहुत सस्ते होते हैं एज दे रिक्वायर ओनली अ पोर्ट, क्योंकि उन्हें केवल एक पोर्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटेड शिप्स आर डेवलप्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। रेफ्रिजरेटेड शिप भी अब डेवलप किए गए हैं ताकि जल्दी से जो खाने योग्य पदार्थ हैं या सामान है उनको लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जाए, पहुंचाया जा सके। टुडे आज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। आज संसार का सबसे जो सी रूट है, बिजी सी रूट है, वो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। इट इज अ नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। इसे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट भी कहते हैं। क्लास आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे सी रूट तक। अब है ना, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अबाउट 600 किलोमीटर लॉन्ग। क्लास आप इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। भारत की कोस्ट लाइन लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। द मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। संसार के सभी कॉन्टिनेंट्स जो है मुख्य सी पोर्ट के द्वारा, भारत की मुख्य सी पोर्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनल एंड पनामा कैनल हैज रिड्यूस द सी रूट बिटवीन एशियन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। स्वेज कैनल और पनामा नहर के निर्माण ने सी रूट को एशियन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के बीच में जो सी रूट है उसको कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। द स्वेज कैनल है रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन इंडिया एंड यूके अबाउट 15 डेज। स्वेज कैनल ने ट्रेवल टाइम जो है भारत और यूके के बीच में लगभग 15 डेज तक कम कर दिया है। द पनामा कैनल ज्वाइंस द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। इट हैज रिड्यूस्ड ट्रैवल टाइम बिटवीन द सी एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए बाई मैनी वीक्स। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, यूएसए का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच का समय जो है वो कई हफ्तों का कम हो चुका है। मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। कई नदियों का और झीलों का प्रयोग इनलैंड वाटरवेज के रूप में होता है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट पेज। द ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द राइन एंड डेन्यूब इन यूरोप, द नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, द एमेजोन इन साउथ अमेरिका, यांगत्ज़े कियांग एंड द हांगहो इन चाइना, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एटसेट्रा। ये कुछ कैनल्स के और जो है लेक्स के नेम हैं जो कि देश के अंदर ही वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रयोग की जाती हैं।
क्लास आज आपको वर्क है 65, 66, 67 पेज रीड करना है। और इसी के साथ लेसन 12 की 11 की रीडिंग जो है अब खत्म होती है।